हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। मैं बोल और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल को स्टार। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग क्या है देखते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक बिल्कुल एक डब्बा टीवी में हमारे मोबाइल के जो MP3 सॉन्ग्स हैं वो लेकर के आपको दिखाएंगे। यहाँ पर डब्बा टीवी से मैं कहूँ कोई VCRT टीवी जो बिल्कुल पुराना टीवी है और स्मार्ट टीवी नहीं, आपका डब्बा टीवी है, उसमें हम ये सॉन्ग चलाएंगे मोबाइल के MP3। मोबाइल आपका कोई भी हो सकता है, एंड्रॉयड हो या कोई भी मल्टीमीडिया मोबाइल जिसमें आप MP3 सॉन्ग प्ले करते हैं उसी से हम ये सब करेंगे। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, ज़्यादा कुछ आपको ना ही कोई सामान खरीदना है, सिर्फ वीडियो आप देखिए और बिल्कुल ही 10 मिनट में आप सीख जाएंगे ये सब करना। तो चलिए चलते हैं हमारे टीवी के पास और जान लेते हैं क्या क्या इसमें हमें सामान की जरूरत पड़ेगी और किस तरह से ये सब होगा। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली हम अपने टीवी के पास आ चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, हमारे पास पुराना टीवी है, BPL का बहुत पुराना मॉडल है ये। तो इसी के साथ हम अपने मोबाइल को कनेक्ट करेंगे और अपने मोबाइल के जो सॉन्ग हैं वो इस टीवी में आपको प्ले करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके टीवी में इस तरह से पोर्ट मिलेंगे, ये वाले पोर्ट आपने ढूंढने हैं। उस टीवी में आपको आगे दिए होते हैं और कुछ टीवी में आपको पीछे मिलेंगे। तो ये मेरे वाले टीवी में आप देख सकते हैं पीछे दिए गए हैं वो वीडियो इन और ऑडियो इन और ऊपर आउट के पोर्ट आपको दिए गए हैं। तो आपने इन पोर्ट को ढूंढ लेना है कि ये कहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप पुराने टीवी भी दो तरह के हैं, एक बिल्कुल ही पुराना टीवी है और दूसरा स्मार्ट टीवी नहीं है लेकिन वो ज़्यादा पुराना नहीं है। ये मेरे पास स्मार्ट टीवी भी नहीं है, बहुत ही पुराना मॉडल है। तो अगर इन दोनों में हम कनेक्ट करें अपना मोबाइल तो बहुत डिफरेंस है, थोड़ा सा इनमें, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। एक पुराने टीवी में कनेक्ट कर रहे हो आप, एक नए में, फ़र्क क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा पुराना टीवी नहीं है, नया टीवी है, तो आप यहाँ पोर्ट देख रहे हैं ऑडियो इन का। तो अगर आप इसमें ऑडियो इन देते हो, मतलब इसमें आप ऑडियो देते हो, इनपुट ऑडियो की इनपुट दोगे तो आपको ऑडियो की आवाज़ टीवी देगा, मतलब ऑडियो इसमें चलेगी। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा पुराने टीवी हैं और आपने ऑडियो का इनपुट दिया है तो वो ऑडियो को सपोर्ट नहीं करेगा, उसके लिए आपको वीडियो का पोर्ट जरूर देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ऑडियो सुनाई देगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये डिफरेंस समझ गए होंगे। अगर आपके पास ज़्यादा पुराना टीवी है तो आपको ऑडियो के साथ वीडियो का पोर्ट पिन देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा पुराना टीवी नहीं है तो आप इसके साथ भी काम चला सकते हैं, इसके साथ भी आपकी आवाज़ चल जाएगी। वो आप देख लेना कि आपका टीवी वीडियो के बिना ऑडियो सपोर्ट करता है या नहीं करता है। इसके लिए आप पिन को निकाल के देख सकते हैं, वीडियो वाली पिन है, इसको निकाल के देख लीजिए। अगर ऑडियो आ रही है तो मतलब आपका जो टीवी है वो सपोर्ट करता है ऑडियो को बिना वीडियो के, लेकिन जो ये मेरा टीवी है ये सपोर्ट नहीं करता है बिना वीडियो के ऑडियो को। तो इसलिए ये सेट टॉप बॉक्स से मैंने एक पिन लिया है, इसको मैंने वीडियो इन में लगा दिया है। हालांकि मेरा सेट टॉप बॉक्स में मैंने ऊपर देख सकते हैं आप LNB नहीं लगाई हुई है, LNB मैंने इसमें नहीं लगाई, सिर्फ सेट टॉप बॉक्स से जो वीडियो का पिन है वो लिया है और वो लगाया है। और यहाँ से मैं सिंपली लाइट दे दूँगा अपने सेट टॉप बॉक्स को, वीडियो नहीं चलेंगी, सिर्फ सेट टॉप बॉक्स की जो थीम है वो आप देख सकते हैं आपके टीवी पर, और ये ऑडियो है। उसके बाद अगर आप मोबाइल कनेक्ट करने की बात करें तो आपको उसके लिए एक केबल की ज़रूरत पड़ेगी, और उस केबल का लिंक जो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहाँ से आप उसको खरीद सकते हैं। ये है वो केबल, इसकी अगर एक पिन की मैं बात करूँ तो 3.5 mm की जैक की आपको पिन मिलती है, और दूसरी दो पिन आपको अलग से मिलेंगी, ये आपकी RCA पोर्ट के लिए टीवी में लगेंगी दो पिन। तो ये इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। ज़्यादा महंगी नहीं है, 100-120 रुपये की आपको ये बिल्कुल आराम से मिल जाएगी। उसके बाद आपको मोबाइल कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको दो जो पिन मिल रही हैं इसमें से आपको जो ये रेड वाली पिन है आप देख सकते हैं, ये रेड वाली पिन है, ये आपने ऑडियो इन में लगा देनी है।
ये मैंने ऑडियो इन में लगा दी, और ये मेरा वीडियो के बिना ऑडियो सपोर्ट नहीं करता, इसलिए मैंने ये वीडियो की भी लगाई हुई है। अगर आपका सपोर्ट करता तो आप इसको निकाल सकते हैं। ओके, तो उसके बाद ये बचता है मेरे पास ये वाइट, तो इसको आपने कुछ नहीं करना, छोड़ देना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है ये 3.5 mm की पिन, इसको अपने अपने मोबाइल के जहाँ पे आप हेडफोन लगाते हैं वहाँ पर इसको लगा लेना है। ओके, ये टीवी मैंने मेरा चालू कर दिया है। ऊपर आप देख सकते हैं सेट टॉप बॉक्स भी मैंने शुरू कर दिया है। सेट टॉप बॉक्स में नेटवर्क नहीं है क्योंकि डिश का मैंने केबल इसमें नहीं लगाया है, सिर्फ यहाँ से इसका बिजली वाला वायर जो वो वही यहाँ पर लगाया है लाइट वाला, तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं है डिश वाली केबल की। हाँ, आपको वीडियो का पोर्ट देना पड़ सकता है अगर आपके पास ज़्यादा पुराना टीवी है, इसलिए मैंने सेट टॉप बॉक्स यहाँ पे यूज किया है। तो सबसे पहले आप इसको ऑडियो वीडियो कर सकते हैं, मैं यहाँ पे इसके बटन से ऑडियो वीडियो मोड इसका टीवी का कर देता हूँ। ओके, तो ये मेरा आप देख सकते हैं ऑडियो वीडियो मोड जो है वो ऑन हो चुका है। अब मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। ओके, ऑडियो वीडियो मोड करने के बाद ये वाला जो पिन है ये आपने सिंपल, आपका कोई भी मोबाइल हो सकता है जिसमें 3.5 mm का आपको जैक दिया गया है, तो वहाँ पे आप ये पिन लगा सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा जो पुराना मोबाइल है उसमें। उससे पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जो सेट टॉप बॉक्स है उसकी थीम कोई भी अन्य प्रोग्राम टीवी केबल नहीं है मेरा इसलिए आ रहा है, तो उसकी थीम आपको यहाँ पे ज़रूर मिलनी चाहिए सेट टॉप बॉक्स की, अगर आपके पास ज़्यादा पुराना टीवी है। अगर ज़्यादा पुराना टीवी नहीं है तो आप जैसी ऑडियो की केबल लगाएंगे ऑडियो वाली, और आपने वीडियो की केबल नहीं लगाई है सिर्फ ऑडियो की लगाई है, और इस पर ऐसे टच करेंगे तो इस तरह से आवाज़ आएगी। अगर इस तरह से आवाज़ आ रही है तो समझ लीजिए आपको वीडियो की केबल लगाने, वीडियो की पिन जो है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने वीडियो की जो पिन लगाई है उसके बाद ये ऐसे आवाज़ आई है, पहले नहीं आती थी, तो ये आपने देख लेना अपने हिसाब से। ओके, तो फाइनली अब हम करते हैं अपने मोबाइल को कनेक्ट और देखते हैं क्या सच में प्ले होते हैं हमारे MP3 सॉन्ग्स। ओके, तो ये YouTube का मैंने एक सॉन्ग प्ले कर दिया है, आवाज़ इसकी आप सुन भी सकते हैं। अब मैं इसमें जैक लगा देता हूँ और उसके बाद ये आवाज़ जो हमारी टीवी में आएगी, मैंने जैक इसके अंदर लगा दिया, देख सकते हैं कि आवाज़ टीवी से आ रही है, मोबाइल के स्पीकर से आवाज़ नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं ये मोबाइल में चल रहा है, मैं दोबारा से फिर से लगाता हूँ इसको। ये तो दोस्तों आपने देखा कि हमने अपने मोबाइल कनेक्ट कर दिया है टीवी के साथ, तो इस तरह से आप MP3 सॉन्ग प्ले कर सकते हैं आपके मोबाइल के किसी भी टीवी में, चाहे वो कितना भी पुराना टीवी हो। तो ये सिर्फ आपको इस केबल की ज़रूरत पड़ेगी, केबल के लिंक जो हम खरीदने का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं, 120 या 130 रुपये की आपको मिल जाएगी आसानी से। और इसी के साथ आप इसका जो पूरा म्यूजिक है वो प्ले कर सकते हैं। सिर्फ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कई टीवी में ये जो ऑडियो आपकी वीडियो की पिन के बिना, यहाँ पे मैंने दिखाई थी आपको ये पिन, वीडियो वाली ये पिन, इसके बिना नहीं चलता है, तो आपने इसका ध्यान रखना। अगर इसके बिना आपका जो ऑडियो नहीं चले तो आपने वीडियो का पिन लगा देना है, उसके बाद ये अपने ऑडियो का पिन चलेगा। लेकिन कुछ टीवी में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट इसी के साथ आप चला सकते हैं। तो वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और नीचे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर आप नए मेहमान हैं तो।
तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।